नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। और आज का जो वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ वो सक्सेस के ऊपर और कामयाबी के ऊपर है, जिसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। आज हम बात करेंगे कि कामयाब अगर आप होना चाहते हैं वो आपकी सोच में है, या दूसरे लफ्जों में बोलूँ कि कामयाबी आपकी भूख है। यानी सिंपल साधारण शब्दों में समझाना चाहूँ कि कामयाबी की आपकी सोच है कि आप कामयाब होना चाहते हैं, या आपके अंदर कामयाबी की भूख है। इन दोनों बातों पे हम चर्चा करेंगे। और आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि कामयाबी की सोच और कामयाबी की भूख दोनों शायद एक ही हैं, मैं कैसा ये सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन मैं जो आज आपको समझाना चाहता हूँ या आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, इन दोनों बातों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक इंसान की सोच होती है कि उसे कामयाब होना है, और एक इंसान की भूख होती है उसे कामयाब होना है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो मैं चर्चा करने वाला हूँ उसमें मैं एक चीज़ ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा कि कामयाबी की जो सोच होती है उसका मतलब होता है 100% ईमानदारी के साथ लगातार मेहनत करके सफलता को प्राप्त करना। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कामयाबी की किसी की जो सोच होती है ना कि मुझे कामयाब होना है, तो वो जो सोच जो होती है उसका मतलब होता है किसी भी काम में, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी काम में हो, तो उस काम में 100% एथिक्स को फॉलो करते हुए 100% ईमानदारी के साथ लगातार मेहनत करते हुए सफलता को प्राप्त करना, ये एक होती है कामयाबी की सोच। और जहाँ तक मेरा मानना है, कामयाबी की भूख का जो मतलब है वो है किसी भी हद तक जाकर कामयाबी को प्राप्त करना, इसको बोलते हैं कामयाबी की भूख। तो मैं कुछ पॉइंट 1-to-1 आपसे डिस्कस करूँगा शॉर्ट में। वैसे तो लेक्चर जो है बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स, लगभग 6-7 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि भूख किसको बोलते हैं। और जिन लोगों को कामयाबी की भूख होती है वो किसी भी हद तक जाके काम करते हैं, तो हद पार करने का मतलब क्या होता है। तो बहुत ध्यान से इन पॉइंट्स को आप सुनिएगा, और अगर आप भी इन चीज़ों को कर रहे हैं तो थोड़ा समझ जाइएगा, अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि ये सब करके एक बार बड़ी सफलता तो मिल जाती है लेकिन मान सम्मान इज्जत शोहरत नहीं मिलती है, और ऐसी सफलता किसी ना किसी दिन उस इंसान की ख़त्म हो जाती है। तो हद पार करने का मतलब क्या होता है? हद पार करने के मतलब के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले होता है किसी का नुकसान करके कामयाब होना। यानी आप जिस फील्ड के अंदर हैं, आप जो काम कर रहे हैं, और उसमें अगर आपने एक भूख पैदा कर ली कि मुझे किसी भी हद पे जाके कामयाब होना है, तो ऐसा इंसान किसी का नुकसान करके भी कामयाबी प्राप्त करने में चूकता नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे इंसान को देखा होगा जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को नुकसान हो रहा है, बस उनको अपनी कामयाबी की भूख होती है। सामने वाले का नुकसान करके भी वो हर हालत में, हर परिस्थिति में, हर कीमत पे सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट, ऐसे लोग जो किसी का नुकसान करके कामयाब होना चाहते हैं इसको कहते हैं कामयाबी की भूख। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, किसी का बुरा करके कामयाब होना। नेचुरल है, नो डाउट, कि आप कामयाब होंगे तो आपका तो फायदा होगा, लेकिन कामयाबी वो होनी चाहिए जिससे किसी का नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो। लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो कामयाब होना चाहते हैं और कामयाब होते भी हैं, लेकिन उनकी कामयाबी इस बात पे डिपेंड करती है, उन्होंने वो काम किया होता है, कि सामने वाले का कुछ भी बुरा हो रहा हो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जो कामयाबी की भूख है वो पूरी होनी चाहिए, और वो किसी भी हद पे जाके सामने वाले का नुकसान करके, सामने वाले का बुरा करके भी सफलता को प्राप्त करते हैं। तीसरा जो पॉइंट इसको समझने के लिए मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, किसी को धोखा देके कामयाब होना। यानी कि ऐसे लोग जिनको कामयाबी की भूख होती है कि किसी भी हद तक जाके कामयाब होना है, हर कीमत पे कामयाबी प्राप्त करनी है, तो किसी को धोखा देने से भी नहीं चूकते। आपकी भी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया होगा, और इस दुनिया में हर फील्ड में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी ना किसी को धोखा देके खुद कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की भी सफलता जो है वो स्टेबल नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति भी उस सफलता का एंजॉय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मान सम्मान इज्जत शोहरत उन लोगों को नहीं मिलता।
तो किसी को धोखा देके कामयाबी प्राप्त करना मैं नहीं मानता कि कोई कामयाबी है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें मैं शेयर करना चाहूँगा वो है किसी का फायदा उठा के कामयाब होना। यानी किसी के साथ आप जुड़े हैं, किसी के साथ आपने संबंध बनाए हैं, तो ये सोच के संबंध बनाए कि यार ये आदमी, अगर इस आदमी के साथ मैं जुड़ जाऊँगा तो कहीं ना कहीं मेरा फायदा हो जाएगा। उसके नाम का आपने सहारा लिया, उसका पैसे का सहारा लिया, उसने आपको किसी ना किसी रूप में मदद की, चाहे वो लेडी हो सकती है, चाहे वो जेंट्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो आपसे संबंध, आपसे रिलेशन केवल और केवल इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि भाई इनका फायदा उठा के मैं कामयाब हो सकता हूँ या हो सकते हैं। तो ऐसे लोग भी जो हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, जो किसी का भी फायदा उठाकर खुद कामयाब होते हैं। ऐसे आदमी को बोलते हैं उसके अंदर कामयाबी की भूख है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है किसी के बारे में झूठ बोलकर कामयाब होना। खासकर हमारी फील्ड में तो बहुत ज़्यादा होता है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए एक व्यक्ति दूसरी कंपनी या किसी लीडर या किसी ओनर की बुराई करने से भी नहीं चूकता है। उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सामने वाले के बारे में, लेकिन वो झूठ इतना कॉन्फिडेंस, इतना सफाई के साथ बोलते हैं। उनको मालूम है कि थोड़ा सा झूठ बोलूँगा तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति से, और झूठ बोल के वो अपना फायदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जो किसी के बारे में भी झूठ या बुरा बोल के, झूठ भी बोलते हैं और बुरा भी बोलते हैं, गलत भी बोलते हैं उनके बारे में, तो ऐसे लोग भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को बोला जाता है, जो आदमी झूठ बोलता होगा किसी के बारे में या किसी के बारे में किसी की बुराई करता होगा लगातार, जबकि ऐसा होगा नहीं। गलत मतलब, बुराई का मतलब गलत बोलना, जो चीज़ सही नहीं है उसको झूठ या गलत के रूप में प्रस्तुत करना, ऐसे लोगों की फितरत के अंदर होता है और इनको कामयाबी की भूख होती है। मतलब किसी के बारे में झूठ बोल के भी कामयाब होना चाहते हैं, किसी के बारे में बुरा भी अगर बोल रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनको अपनी कामयाबी चाहिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें मैं शेयर करना चाहूँगा, किसी को खरीद कर कामयाब होना। यानी कि उनको लगता है कि भाई ये इंसान अगर मेरे साथ आ जाए या ये इंसान अगर मेरे साथ आके काम करे, मेरी कंपनी में, मेरी एसोसिएशन के अंदर काम करे, तो वो किसी भी सूरत में उसको खरीदने तक के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी बोली लगा देते हैं। और खासकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर आजकल हर दूसरी कंपनी में आपको देखने को मिलेगा, एक किसी भी कंपनी के बड़े लीडर को उसकी बोली लगाई जाती है। जैसे आईपीएल में प्लेयर्स की बोली लगती है, ऐसी डायरेक्ट सेलिंग में अब लीडर्स की बोली लगती है। किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जिसकी जैसी क्वालिटी है उसको खरीदा जाता है। और अगर आप किसी को खरीद के, किसी कंपनी से तोड़ के किसी को खरीद के अपनी एसोसिएशन के अंदर जोड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री ग्रो हो जाए, तो इंडस्ट्री तो कभी ग्रो नहीं हो सकती, क्योंकि आज आप किसी की लीडरशिप तोड़ रहे हो तो कल को कोई आपकी भी तोड़ेगा, और ये हो रहा है और ये आप देख रहे हैं। जिस कंपनी ने किसी की लीडरशिप को पैसा दे के तोड़ा है, कोई दूसरी कंपनी उसकी लीडरशिप को पैसा दे के तोड़ती है। और इससे आज की डेट में हर उस इंसान के मन में एक बात बैठ गई है कि किसी भी कंपनी में अगर जाओ काम करो तो सबसे पहले पैसे की डिमांड करो। तो जो इतनी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री थी, इस इंडस्ट्री को आज की डेट में कुछ चंद लोगों ने अपने लालच के चक्कर में, लोगों की खरीद फरोख्त के चक्कर में इस इंडस्ट्री को ख़राब कर दिया है। और फिर कहते हैं कि लोग भरोसा नहीं करते, लोग विश्वास नहीं करते। तो ऐसे लोगों को भी कामयाबी की भूख होती है। पहले से बहुत कामयाब कंपनी है, पहले से बहुत कामयाब लीडर है, उसके बावजूद भी नंबर 1 बनने की दौड़ में, नंबर 2 बनने की दौड़ में, नंबर 3 बनने की दौड़ में, सबसे बेहतर बनने की दौड़ में, जहां पे ईमानदारी से काम करना चाहिए, जहां पे मेहनत से काम करना चाहिए, जहां पे एथिक्स को फॉलो करते हुए काम करना चाहिए, वहां पे वो कंपनी जो पहले से अपने आप में बहुत बड़ा काम कर चुकी है, इतनी कामयाबी की भूख होती है कि वो पैसा देके किसी भी लीडर को खरीद लेते हैं कि सामने वाली कंपनी किसी तरीके से बंद हो जाए। इसको कहते हैं कामयाबी की भूख। लास्ट में जो इसमें पॉइंट मैं आपके सामने ऐड करना चाहूँगा वो है खुद को बेचकर कामयाब होना। एक तरफ कंपनी खरीदती है तो सामने वाला खुद को बेच भी तो रहा है। और अब तो ये चलन बन गया, अब तो ये प्रचलन बन गया। आज की डेट में तो किसी भी कंपनी में जब कोई लीडर आता है वो कहता है जी मुझे होटल का भी पैसा दो, मुझे आने जाने का भी पैसा दो, मुझे पेट्रोल का भी पैसा दो, मुझे काम करने का भी पैसा दो, मुझे फील्ड में जाने का भी पैसा दो, मुझे घर चलाने का भी पैसा दो। और कंपनियाँ दे रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप कहते हैं कि इंडस्ट्री ग्रो हो जाए तो ये इंडस्ट्री कभी ग्रो नहीं हो सकती। खुद को बेचने के लिए लोग तैयार हैं। हमने कभी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं देखी थी। पिछले 3-4 सालों से जो ये प्रचलन चला है खरीद फरोख्त का,
ये पहले इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं था। मैं बार बार अपनी मीटिंग के अंदर बोलता हूँ, मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग के अंदर बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी बुक्स हैं जिनको पढ़ के हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान से बाहर लोग कामयाब हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग के ऐसे ट्रेनर जिनकी ट्रेनिंग सुनने के बाद बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं, किसी भी ट्रेनर ने आज तक अपनी मीटिंग में ये नहीं बोला है कि लीडर को खरीदना चाहिए या लीडर को बिकना चाहिए। किसी भी लीडर ने अपनी ट्रेनिंग या अपनी किताब के अंदर ये नहीं लिखा, किसी भी राइटर ने अपनी किताब के अंदर ये नहीं लिखा है कि किसी भी कंपनी में अगर आप जुड़ते हैं तो उस कंपनी से आपको भागा दौड़ी के लिए पैसा मांगना चाहिए, आपको अपने घर खर्च के लिए पैसा मांगना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी और हमारी क्रिएट की गई हैं। आप और हम मिलके इस इंडस्ट्री को अच्छा बना सकते हैं, आप और हम मिलके इस इंडस्ट्री को खराब बना सकते हैं, और यही हो रहा है। एक तरफ कुछ चंद लोग आगे आते हैं, यूट्यूबर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री की खिलाफत करते हैं, इस इंडस्ट्री को बचाने की भी बात करते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे कभी कोई बात नहीं करता है। वो कहते हैं जी ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होनी चाहिए, बहुत ग्रो होनी चाहिए। क्या इसी तरीके से कंपनी बड़ी या ग्रो होगी? तो इस वीडियो से मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो है, एक है कामयाबी की सोच। तो जब कामयाबी की सोच होगी ना किसी भी कंपनी या किसी भी लीडर या किसी भी व्यक्ति की, तो वो ईमानदारी से काम करेगा, वो एथिक्स को फॉलो करता हुआ काम करेगा, वो स्लो एंड स्टडी काम करेगा, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन जहां पे भूख आ जाती है ना, और भूख भी ऐसी किसी भी हद तक जाके कामयाब होना, तो फिर ये सारे काम होते हैं। तो अगर एक आप एक अच्छे लीडर हैं या आप एक अच्छे कंपनी ओनर हैं, तो ये जो पॉइंट है मैं अब आपको उल्टा दोहरा के दिखा देता हूं कि आपकी कामयाबी की सोच होनी चाहिए, भूख नहीं होनी चाहिए। किसी का नुकसान करके आपको कामयाब नहीं होना, किसी का बुरा करके आपको कामयाब नहीं होना, किसी को धोखा देके आपको काम नहीं करना, किसी का फायदा उठा के आपको काम नहीं करना, किसी के बारे में झूठ बोल के या गलत बोल के भी, बुरा बोल के भी आपको कामयाब नहीं होना, और किसी को खरीद के कामयाब नहीं होना, और खुद को बेच के कामयाब नहीं होना। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी सोच में शामिल कर लेंगे तो मेरा मानना है कि आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, और अगर आप एक अच्छी कंपनी के ऑनर हैं तो आप एक अच्छे ऑनर बन सकते हैं, और आपकी कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छी लीडरशिप आ सकती है। आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए जो सारे गलत काम करते हैं, जिनके अंदर कामयाबी की भूख है, जो किसी भी हद तक जाके कामयाब होना चाहते हैं, उन लोगों को ये वीडियो आप शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर ये वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।